हेलो एवरीवन, स्वच्छता की थाम के डोर, स्वच्छ बनेगा ये इंदौर, है ना। स्वच्छता का पता है ना आपको, कैसे इंदौर के सब कर्मचारियों ने, लोगों ने मिलकर इंदौर को स्वच्छ बनाया है और इंदौर को नंबर वन बनाया है ना। आप सब भी बराबर गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखते होंगे और गाड़ी आती है तभी कचरा डालते होंगे, है ना। वैसे ही हम सब को इंदौर को स्वच्छ रखना है, इंदौर के साथ साथ हमारे स्कूल को, घर को, सबको स्वच्छ रखना है। आप सोच रहे होंगे ना कि मैम आज यहाँ स्वच्छता की बात क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि हमारा हिंदी का जो अगला पार्ट है उसका नाम क्या है? सजग बच्चे। क्या है नाम? सजग बच्चे। और यह हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट पाँच। कौन सा पार्ट है? पार्ट पाँच, है ना। तो अब हम पाठ का वाचन करते हैं। यह है पृष्ठ क्रमांक 42 पर, 42 पर। सबको पढ़ना है। एक शहर में एक बाग था, वहाँ दिन भर लोगों और बच्चों की चहल पहल बनी रहती थी। पार्क में तो ऐसे ही होता है, लोग बाग आते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, बैठते हैं। कुछ लोग वहाँ पर पेड़ों के नीचे आराम से सोते भी हैं। एक दिन शाम को सबके जाने पर पार्क ने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक तेज हवा के झोंके से चमेली का पौधा हिलने लगा। क्या होने लगा? सबके जाने के बाद पार्क ने राहत की सांस ली। राहत की सांस मतलब रिलैक्स होना, शांति से बैठना। इतनी आवाज़ से पार्क को थोड़ी सी तकलीफ होती होगी, तो वहाँ क्या किया रहा? शांति से राहत की सांस ली उसने और जोर से तेज हवा चलने लगी। चमेली का पौधा देखा है आपने? चमेली को इंग्लिश में बोलते हैं जैस्मिन। उसके सुंदर सुंदर नाजुक से सफ़ेद फूल होते हैं और उसमें बहुत सुंदर खुशबू होती है। आप चमेली की अगरबत्ती यूज़ करते हैं, आप चमेली का स्प्रे परफ्यूम लगाते हैं, है ना। तो वह क्या बोला चमेली को, पौधे को? अरे भाई, थोड़ा चैन तो लेने दो, क्यों मुझ पर अपने बासी फूल पत्ते गिरा रहे हो? बच्चे गए तो अब तो मुझे परेशान करने लगे। मतलब वो इतना परेशान हो गया पार्क के बच्चों से कि अब वो पेड़ पर, मतलब चमेली के पौधे पर चिड़चिड़ करने लगा कि बच्चे गए अब तो मुझे परेशान कर रहे हो। तो वो क्या बोलता है, पार्क भैया ज़रा उधर देखो, पेंच के पास बच्चों ने कितनी गंदगी फैलाई है। तुम केवल मुझे ही डांटते हो, बच्चों को तो कुछ नहीं कहते। तो क्या बोला वो, देखो बच्चों ने कितना गंदा किया। आप भी बच्चे कॉलोनी के ग्राउंड में खेलने जाते होंगे, कभी चिप्स खाते होंगे और नीचे गिरा देते होंगे बेंच के आसपास, या कुछ खाते हो तो कभी वहीं झटक दिया, है ना। तो वहाँ बोला तो मुझे डांट रहे हो, उन बच्चों को कुछ नहीं कहते। चमेली की पौधे की बात सुनकर नेक्स्ट पेज पर जाइएगा, पेज नंबर 43 पर। पौधे की बात सुनकर बाग रुआसा हो गया। रुआसा मतलब वो इतना दुखी हो गया, वो बस रोने ही वाला था। रुआसा होना मतलब बस रोना ही है उसको। यहाँ तो उसकी रोज की पीड़ा थी बाग को बहुत, क्योंकि उसको पता था कितनी तकलीफ होती। शुरू शुरू में जब ये छोटे बड़े बच्चे उसमें खेलने आते थे तो वह बड़ा खुश रहता था। शुरू शुरू में जब बच्चे आते थे तो बाग को बड़ा अच्छा लगता था। अब वे उसमें गंदगी फैलाने लगे थे। उसी गंदगी के कारण पार्क में कई जानवर भी आ जाते थे। ऑब्वियसली जहाँ कचरा होगा वहाँ मक्खी आएंगी, जहाँ कुछ खाने को मिलेगा वहाँ जानवर आएंगे, है ना। इसलिए तो हमारे स्कूल में जैसे ही कुछ ड्राइवर भैया लोगों को बोला कि गाड़ी के पास कुछ नहीं डालना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुत्ते आते हैं, कुत्ते खाने को देख कर आते हैं और वहाँ गंदगी कर चले जाते हैं, है ना। इसलिए आप भी अपनी बस में से कभी कुछ बाहर नहीं फेंकेंगे। पेड़ भाई, तुम नाराज मत हो, मैं बच्चों द्वारा फेंके कचरे से परेशान हो जाता हूँ पर उनसे कुछ कह नहीं पाता। काश मैं उन्हें समझा पाता। वह क्या बोला पेड़ भाई को, तुम प्लीज़ मुझसे नाराज मत हो, मैं उन्हें समझाना तो चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए पर मैं उनको कुछ कह नहीं पाता। तो चमेली का पौधा क्या कहता है, पर इस समस्या का उपाय तो सोचना ही होगा। वो बोला कि इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। जब भी कोई समस्या होती है तो उसका कुछ ना कुछ हल अवश्य होता है। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर खूब सोचा। सोचते सोचते रात हो गई।
क्या हो गया, रात हो गई। बाग और पौधा दोनों ही खड़े हो गए थे, इसलिए सॉरी पार्क और पौधा दोनों ही सोचते सोचते थक गए। सुबह होने पर क्या हुआ, चमेली का पौधा, अरे बाप रे क्या सोचता है, इतने सारे बच्चे एक साथ, आप तो ये बहुत गंदगी फैलाएंगे। क्या हुआ वो क्या बोला, इतने उसे बगीचे में पार्क में बहुत सारे बच्चे आते हुए दिखाई दिए, तो वह क्या बोला, बाप रे इतने सारे बच्चे, अब यहाँ जरूर कचरा करेंगे, गंदगी फैलाएंगे। डर के कारण पौधे ने अपनी आंखें बंद कर ली। शोर बंद होने पर आंखें खोलकर देखा तो क्या देखा, अरे यह तो चमत्कार है, बच्चों ने तो दम मचाया ही नहीं और न ही कचला फैलाया। उसने जैसे आवाज ही नहीं, उसे बच्चों की आंखें बंद करके बैठा था तो उसने सोचा क्या बात है, बच्चों की तो आवाज ही नहीं आ रही है, जरा आंखें खोल के देखता हूँ। जैसे ही आंखें खोली, कोई भी कचरा नहीं है, कोई भी मस्ती नहीं कर रहा है। तो बच्चे क्या बोलते हैं पौधे को, भाई कल हमने आपकी बातें सुन ली थी, हम जान गए हैं कि गंदगी में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, अब हम कभी यहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे। अच्छा अब हम चलते हैं, वह क्या प्रॉमिस करके गए पौधे को, बच्चे कि गंदगी में रहना अच्छी बात नहीं है, यह हम जान गए हैं, अब हम यहाँ कचरा कभी नहीं फैलाएंगे। बच्चे तो समझदार हो गए, अब मैं कैसे अपने पत्ते और फूल गिरने से रोकूं। अब पौधा सोचता है कि बच्चे तो समझदार हो गए, मैं अपने पत्ते और फूल कैसे गिरने से रोकूंगा, यह तो नेचुरल प्रोसेस है, मतलब यह प्राकृतिक क्रिया है, यह तो होगा ही, जैसे तुम्हारे फूल पत्ते तो मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वे तो मेरी मिट्टी में मिलकर मुझे उपजाऊ बनाते हैं। बगीचा क्या बोला कि पार्क की मिट्टी क्या बोली, तुम्हारे से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इन तुम्हारे पेड़ पत्ते और फूल मेरे यहाँ ऊपर गिरकर मिट्टी में मिलकर मुझे और उपजाऊ बनाते हैं, है ना। मैं तो इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे से ही परेशान होता हूँ, क्योंकि उसमें प्लास्टिक मिला होता है। हाँ प्लास्टिक कोई ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन या मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाता, वह केवल प्रदूषण करता है, यहाँ वहाँ उड़ता रहता है और गंदगी दिखाता रहता है। पाप की यह बात सुनकर पौधा ठहाका मारकर हंसा, हंस पड़ा, और इस तरह हंसने से फिर उसके कुछ फूल झड़कर पार्क में गिर गए। अब पाक को उन फूल पत्तियों से झुंझलाहट नहीं हो रही थी, झुंझलाहट मतलब चिड़चिड़ परेशानी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि भारत के बच्चे सजग बन रहे हैं, उन्हें स्वच्छता का महत्व मालूम हो गया है, अब वह सदा साफ सुथरा और सुंदर रहेगा जैसा कि वह चाहता है ना, जैसे कि आप सब साफ सुथरे स्वच्छ और सुंदर इंदौर को पसंद करते हैं, वैसे ही अब पार्क भी साफ स्वच्छ सुंदर रहेगा। आप सभी को इस बात पर ध्यान रखना है ना, इस पाठ को बार बार पढ़िएगा, समझिएगा और इस बात पाक की जो बात है उस पर अमल भी कीजिएगा, ठीक है, बाय।